हेलो बच्चों, वेलकम वन सेकंड टू माय यूट्यूब चैनल एडुलवर। गिवन क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एम। तो हमें के और एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए, क्योंकि ए क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, मतलब अगर इसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू जीरो देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना इक्वल टू जीरो हमें दिया भी हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग एक लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल टू टू, जब x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल्स टू जीरो। यहां पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4k प्लस 2m इक्वल्स टू जीरो। या फिर इसका वैल्यू पुट करें हम लोग तो हमारे पास आएगा 2m माइनस 4k, बस इसको आगे लिखा है इसको पीछे लिखा, इक्वल्स टू प्लस में, इधर गया तो माइनस में। ठीक है, इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे हम लोग फोर एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, अब एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे थ्री। ठीक है, एक्स का वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास हो गया थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस टू के इंटू थ्री प्लस टू एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू जीरो। 2m को अगेन आगे लिख लेते हैं तो 2m माइनस 6k, इसको आगे लिखा इसको पीछे लिखा और ये प्लस में, इधर गया तो माइनस में, माइनस 27 और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है। आइए दोनों को वैल्यू को हम लोग पुट करके और k और m का वैल्यू फाइंड करते हैं। लाइक 2m माइनस 4k इक्वल टू हमारे पास है माइनस 12 और हमारे पास है 2m माइनस 6k इक्वल्स टू माइनस 27। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, 2m माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस 12 और 2m माइनस 6k इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं तो माइनस यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस को प्लस बना दिया, माइनस को प्लस बना दिया, इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 2k इक्वल्स टू, यहां पे हमारे पास बचा 15, तो k इक्वल्स टू कितना आया 15/2, k इक्वल्स टू कितना आया 15/2। पुट के इन फर्स्ट, के का वैल्यू हमें पुट करना है किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 2m माइनस 4 इंटू 15/2 इक्वल्स टू माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2m माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 12 या 2m इक्वल्स टू इस प्लस में, इधर गया तो सॉरी माइनस में, इधर गया तो प्लस में, तो यानी माइनस 12 प्लस 30 या m इक्वल्स टू अगर हम लोग निकालना चाहें दोनों का लेंगे तो आएगा हमारे पास 18/2 डेट इज 9, यानी m इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया 9 एंड डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास k इक्वल्स टू आया 15/2 और हमारे पास आया है m इक्वल्स टू 9। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप से क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्म में सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आपका और हमारा प्यारा सा चैनल एडुलवर।